नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा मीराबाई। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि मीरा का काव्य उन विरले उदाहरणों में है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन व्रत से अलग किए जाने पर इस काव्य की सृजनात्मक क्षमता घट जाती है। मिलता जुलता नारी चरित्र होने के कारण गोपियों की विरह भावना का अध्यारोपण मीरा पर आसानी से हो जाता है। उनका काव्य सूर द्वारा विस्तार में चित्रित गोपियों की विरह उन्मुक्ता का डिटेल या ब्यौरा है। जीवन व्रत में ब्रज की गोपियों से और रचना धर्मिता में सूरदास से एक बारगी साम्य मीरा के पदियों में अतिरिक्त तीव्रता भरता है। जीवन कैसा रहा? गोपियों की तरह। जैसे गोपियां कृष्ण के लिए समर्पित थी, वैसे ही मीरा भी कृष्ण के लिए समर्पित थी। और रचना में कैसा, जैसे सूरदास ने कृष्ण के बाल लीला के पद गाए, वैसे ही मीरा ने भी गाए। कुछ यौवन अवस्था के चित्रण भी किए, पर कुल मिला के भक्तिभाव वहाँ पर प्रधान रहा। सूर के काव्य में गोचारण वातावरण की जो स्वच्छंद तन्मयता है, उसकी जगह मीरा में राजस्थान से ब्रज की प्रणय यात्रा की उदग्रता है। ब्रज, राजस्थान और गुजरात में कृष्ण लीला की दृष्टि से जो सांस्कृतिक एकता रही है, मीरा की काव्य भाषा में वह भली भांति प्रतिफलित होती दिखती है। मीरा का प्रणय संचरण जैसे उनके भाषिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। मुरली प्रसंग में सूर ने जो लिखा है, उखटे तरु भय पात पाथर पर कमल जात आरज पथ तजियो नात व्याकुल नर नारी, उसका जीवंत साक्ष्य है मीरा का व्यक्तित्व और कृतित्व। आरज पथ का त्याग गृहस्थ जीवन में सिर्फ कृष्ण के नाते से ही स्वीकार है। कृष्ण लीला, ब्रज की संस्कृति और ब्रज भाषा की पद परंपरा एक दूसरे से जुड़कर तो विकसित हुए ही। उत्तर भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा भी इस प्रभाव से गतिशील होती रही। ध्रुपद, धमार से लेकर ख्याल और भजन तक के ये पद या बोल ब्रज भाषा में रहे और इस परंपरा के अधिकतर प्रसिद्ध घराने ब्रज क्षेत्र में विकसित हुए, आगरा, जयपुर, ग्वालियर आदि। अवधि में रामचरितमानस जैसी विराट कृति सृजने पर भी तुलसी जब पदों की रचना करते हैं तो ब्रज भाषा में। इस संगीत परंपरा के चरित नायक या तो शिव हैं जो कलाओं के अधिष्ठाता देवता हैं, या फिर कृष्ण जिनके माध्यम से संगीत और कलाओं का प्रवेश गृहस्थ जीवन में होता है। शास्त्रीय संगीत के बोल कलावंतों ने बहुत बार स्वयं बनाए और पद लिए तो अधिकतर सूर, मीरा और अन्य कृष्ण भक्त कवियों के। इन दोनों विधाओं का पारस्परिक संपर्क भी बना रहा। यों इस क्षेत्र की मानसिकता बनाने में काव्य और संगीत की संपृक्त भूमिका बहुत दूर तक सक्रिय रही है। ब्रज क्षेत्र की कला और कविता में कृष्ण का अभेद यदि किसी से है तो शिव से। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को शिव का आराध्य दिखाया और शिव को राम का, पर सूरदास कृष्ण और शिव में अभेद देखते हैं। भारतीय देवमाला में राम का चरित्र आदर्श की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम का और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में सीधा साधा माना जाता है। कृष्ण और शिव जैसे तनाव या अंतर्विरोध यहाँ नहीं दिखाई देते। राम और कृष्ण के चरित्र में जो अंतर दिखता है, किंवदंती के अनुसार तुलसी को मस्तक नवाने से पहले कृष्ण से धनुष बाण ले हाथ कहने के लिए प्रेरित करता है, वह कृष्ण और शिव के बीच नहीं है। तब यह अकारण नहीं कि सूर ने कृष्ण और शिव के चरित्र में साम्य परिलक्षित किया है। सूरदास ने कृष्ण को और शिव को एक ही में देखा है, लेकिन तुलसी के लिए दोनों अलग अलग हैं, है ना। आपने ये पद सुना होगा जहाँ ये दो शब्द दिए, धनुष बाण ले हाथ, है ना। तो ये पूरा पद है, रामशरण शुक्र की बुक में भी इसको लिखा हुआ है, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ, है ना। तुलसी मस्तक जब, और इसका ही एक परस्पर पूरक पद दूसरा है, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो इस तरीके से इसका है कि वो तुलसीदास मंदिर में कहते हैं कि भाई मेरा सिर तो तभी नवेगा जब ये मूर्ति जो है धनुष बाण हाथ ले, क्योंकि मेरा सिर तो सिर्फ राम के उसमें ही झुकता है। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सूर क्या लिख रहे हैं, सखीरी नंद नंदन देखू धूर धुसुरी जटा जू टिलहरी कियो हर भेषु,
नील पाट पिरोए मनगन फनिग धोके जाए, खुन खुना कर हंसत रहत हर नचत डमरू बजाए। धूल दूसरे जो कृष्ण जटा जूट बना रखा है, तो हरि ने विष्णु ने हर का अर्थात शिव का वेश धारण कर रखा है। नील पाट पिरोए मनगन, नील कपड़े में जो मणियाँ पिरोई हुई हैं तो वो ऐसे लग रहा है जैसे गले में सांप लटक रहा है, नील मणियों की माला पहने है। और खुन खुना कर हंसत हरि, जब वो खिलखिला कर हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डमरू बज रहा है। देख अंग अनंग डर प्यो नंद सुता हर जान, सूर्य के हृदय बसो नित स्वाम शिव को ध्यान। अब जो अंग अनंग जो कामदेव है वो नंद के सुत को अर्थात कृष्ण को देखकर डर जाता है, क्योंकि सूर्य के हृदय बसो नित, क्योंकि सूर्यदास के हृदय में सदैव ही कृष्ण और शिव का ध्यान बना रहता है, यानी दोनों एक ही हैं। तो अब ये मीरा की विशेषता लिख रहे हैं, लेकिन पद का उदाहरण किसका दे दिया इन्होंने, सूरदास का दे दिया। यदि ये पद यहाँ से पूछ लिया जाए तो भले ही आप मीराबाई के प्रकरण में इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पद सूरदास के हैं। आगे देखते हैं, मीरा के अनेक पदों में अपने प्रिय के लिए जो योगी संबोधन और तदन अनुसार रूप विधान आता है, वह सूर्य के श्याम शिव ध्यान से तुलनीय है। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, जोगी मत जा मत जा मत जा, जोगी माँ ने दरस दिया सुख होई, जोगिया ने कह जियो जो आदेश में। पद का आरंभ जोगी या जोगिया का उल्लेख से होता है और अंत में गिरधर नागर या श्याम का ध्यान आता है। तो जोगी का सबसे परम जोगी कौन है, शिव। प्रेम और भक्ति के संपर्कित रूप में आलंबन के लिए कृष्ण और शिव का यह संपर्कित रूप आदर्श है। व्यक्तिगत संदर्भ से विशेषता मीरा के कृतित्व में प्रेम और भक्ति के पक्ष सहज भाव से घुल मिल गए हैं। यह संपर्कित अनुभूति जो कबीर और जैसी में अलग अलग रहस्यवादी प्रतीक पद्धति में ढलती है, और सूर में कृष्ण राधा का प्रणय चित्र बनती है, मीरा में सहज आत्म अनुभूति की गीत बन जाती है। कबीर की ही तरह मीराबाई की काव्य भाषा के आधार पर कई बोली रूप मिश्रित हैं। मीराबाई की पदावली की भूमिका में परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया है कि मीरा में चार भाषा स्तरों का प्रयोग है। राजस्थानी, थे तो पलक उघाड़ो दीना नाथ में हाजिर नाजर, कब की खड़ी साजनिया दुश्मन होए बैठा सबने लगू कड़ी। ये राजस्थानी भाषा का उदाहरण है, परशुराम चतुर्वेदी जी ने बताया। ब्रज भाषा का देख लीजिए, यह विधि भक्ति कैसे होए, मन की मैल हिये ते ना छूटी दियो तिलक सिर धोए। पंजाबी, हो काना किन गूंथी जुल्फा कारियां। गुजराती, प्रेमिनी 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 रे मन लागी कटारी प्रेमिनी, जल जमुना माँ भरवा गया था हति गागर माथे हेमिनी रे। इस प्रसंग में अंतर्वती शाखा की आधुनिक कालीन भाषा और उनकी पारस्परिक स्थिति के संबंध में ग्रियर्सन का मंतव्य अनायास स्मरण हो जाता है। ग्रियर्सन ने लिखा है कि जिस प्रकार पंजाबी उत्तर पश्चिम में मध्य देश की प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी उसके दक्षिण पश्चिम में प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य देश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होती हुई गुजरात के समुद्र तट तक पहुंच जाती है, यहाँ यह गुजराती का रूप धारण कर लेती है। मीराबाई की काव्य भाषा के उपयुक्त विविध आधार मानव ग्रियर्सन के इस भाषा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण को व्यावहारिक रूप में संपुष्ट करते हैं, और ब्रजभाषा राजस्थानी पंजाबी गुजराती की तात्विक एकता को प्रदर्शित करते हैं। ब्रज से द्वारका तक चलने वाली कृष्ण भक्ति की यात्रा ने जैसे इन भाषा रूपों को परस्पर मिला दिया हो, मीरा की अपनी काव्य यात्रा इसी के समानांतर है। यहाँ यह स्मरणीय है कि मीरा ने अपने पूरे के पूरे पद इन अलग अलग बोली रूपों में नहीं लिखे, बल्कि अधिकतर उनकी आधार भाषा में इन कई भाषिक तत्वों का मिश्रण हो गया है। प्रधानता ब्रज और राजस्थानी की ही रही है। मीरा की काव्य भाषा में सृजनात्मक क्षमता कम है। सूर्य तुलसी जैसा भाषा का कुशल प्रयोग नहीं दिखाई देता। जहाँ लोकगीतों की तरह सीधी अभिव्यक्ति पर बल है, लाक्षणिक प्रयोग बीच बीच में जहाँ तहाँ भले मिल जाए। नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और विरह भावना कुछ अपने आप से प्रामाणिक लगती है। उनके पदों का भाषिक गठन उतना सशक्त नहीं। उदाहरण के लिए लोकगीत का सीधा वर्णन देखिए, दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, घुमर घटा ऊलर हुई आई दामिन दमक डरावे, अथवा कारी अंधियारी बिजली चमके विरहण यति डर प्यावे रे, गाजे बाजे पवन मधुरिया मेहा अति जड़लाए रे। यहाँ सीधा परंपरित वर्णन है। भाषिक प्रयोग से कोई विशिष्ट अर्थ क्षमता उत्पन्न नहीं होती। लोकगीतों की तरह दादुर मोर पपीहा बोले वाली पंक्ति तो इसी रूप में कई पदों में आती है। वर्णन का ढंग और कहीं कहीं हल्का अप्रस्तुत विधान कृष्ण काव्य के प्रसिद्ध रचयिता सूर का अनुसरण करता है, पर वहाँ भी बेपरवाही अधिक है। इसलिए कुछ पद विधान में सूर जैसे लग सकते हैं, पर उनमें वैसा निखार नहीं।
कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम। कारण क्यों? क्योंकि मीरा भक्तिमयी है, मीरा और भक्ति एक ही बात है, कृष्ण की साधिका है। कवियत्री तो कृष्ण की प्रशंसा में पद लिख दिए, रचना करना या बड़ा कवि बनना मीरा का कभी उद्देश्य रहा ही नहीं, केवल कृष्ण की प्रियता प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य था। अतः लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखिए, मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, व्यक्तिगत तन्मयता, कृष्ण से व्यक्तिगत तन्मयता है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। कल हम रहीम को पढ़ेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, पर डे मैं आपको एक एक टॉपिक करवा रही हूँ, जायसी तुलसी सूर सबको एक एक टॉपिक करवा दिया, आप रिवाइज करते जाइएगा साथ के साथ, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है भक्ति काल में जब प्रश्न पूछा जाता है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से तो वर्तमान में खूब प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही साथ इसी हिंदी नेटशाला चैनल पर हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दूंगी, तो अब हमारा व्याकरण वाले प्रैक्टिस सेट चलेंगे क्रमबद्ध रूप से। और इसके अलावा भाषा विज्ञान के हिंदी बुकशाला पे हो रहे हैं, भाषा विज्ञान के और हिंदी बुकशाला पर जो भी मैंने आपको उपन्यास नाटक वगैरह उनके सारांश वीडियो में ला रही हूँ, तो दोनों चैनल पे आप लोग नियमित बने रहिए ताकि परीक्षा से पूर्व अच्छे से रिवीजन हो जाए। मिलती हूँ पुनः आपसे इसी चैनल पर हिंदी व्याकरण के साथ, और आपसे हिंदी बुकशाला पर मिलूंगी या तो महाभोज के सारांश के साथ, महाभोज से रिलेटेड मोस्ट जो भी क्वेश्चन हैं आपके, और उसका सारांश यानी सरल रूप में कहानी के रूप में पूरा महाभोज समझ लेंगे, उसके साथ मैं आपसे मिलती हूँ हिंदी बुकशाला पर। तब तक के लिए नमस्कार। हो सकता है आज आपको थोड़ा सा जो है पेज को दिखने में समस्या आई हो, क्योंकि देखिए लाइट आ नहीं रही है और लाइट के चक्कर में कई बार वीडियो नहीं बन पाता है, ठीक है, तो अब ये सारी समस्याएं चलती रहती हैं, इसलिए जो जितनी लाइट फ़ोन में है उसी से मैंने आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया है, ताकि लाइट अगर नहीं भी आए तो आप लोगों को ये जो बुक है जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।